दौरान वबेरू कोतवाली पुलिस को उस वक्त सफलता हासिल हुई जब कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को देसी तमंचे व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मझिला का है, जहां पर बबेरू कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह के आदेश पर पुलिस गश्त पर थी। तभी ग्राम मझिला के पास अभियुक्त शिव मंगल साहू निवासी ग्राम बुधौली थाना बबेरू को एक देसी तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त ग्राम मझिला तिराहे के परास गाँव की सड़क पर खड़ा था। पुलिस को देखते ही इधर उधर भागने लगा। तभी पुलिस को शक हुआ और उसे दौड़कर पकड़ लिया। आरोपी पर अवैध तमंचा रखने जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक मामला आया था शिव मंगल साहू, ये निवासी ग्राम बुढ़ौली थाना बबेरू के निवासी हैं। इनके कब्जे से कल मझिला तिराहे के पास से इनके कब्जे से एक कारतूस, तीन कारतूस और एक देसी अदद एक तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ पीके के लिए बबेरू से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।